फिर दोस्तों, अगर आप भी YouTube प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं और आप अपना कंटेंट YouTube पे शेयर करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, बट आपको पता नहीं है कि YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है और चैनल में क्या क्या सेटिंग्स की जाती हैं, तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक नया YouTube चैनल अपने स्मार्टफोन से कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी जो सेटिंग्स होती हैं एक नए चैनल को कैसे सेटअप किया जाता है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है youtube.com, ठीक है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे YouTube का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे YouTube ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, YouTube चैनल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास Gmail अकाउंट होना चाहिए। Gmail अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि Gmail अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने Gmail ID से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपको सर्च के बगल में एक छोटा सा लोगो दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी डाल ली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे उसका पासवर्ड डालेंगे, तो हम पासवर्ड एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अपने जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सर्च के बगल में आर का सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। अब उसके बाद हमें सिंपली इस लोगो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको योर चैनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको चैनल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, आपको अगर इसी नाम से चैनल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे यही नाम रखेंगे और उसके बाद क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल किसी और नाम से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम को चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम को चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका चैनल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपने चैनल पे कुछ सेटिंग्स करनी होगी, तो सेटिंग्स कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वापस से हम YouTube पे आ जाएंगे, YouTube वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे YouTube ओपन हो चुका है, उसके बाद आपको इसे डेस्कटॉप मोड पे ओपन करना है। तो डेस्कटॉप मोड में इसे ओपन करने के लिए आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे YouTube वापस से ओपन हो चुका है डेस्कटॉप मोड में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर लोगो पे क्लिक करना है। आपका चैनल जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है उस अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर यहाँ पे शो करता है इस सिंबल में, ठीक है। तो आपको इस सिंबल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको योर चैनल पे जाना है। तो गाइस, यहाँ पे जो आपका चैनल है वो क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने चैनल में कुछ सेटिंग्स करनी होगी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सेटिंग्स करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इसको हम कंटिन्यू टू स्टूडियो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके चैनल का YouTube स्टूडियो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अपने चैनल में कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जिसके लिए आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो का ऑप्शन दिया गया है जो कि 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं बेसिक इन्फो पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपके चैनल का नाम आ जाएगा, जो भी आपके चैनल का नाम है, ठीक है। आप अपने चैनल पे किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ को डालेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बताना होगा कि आपका चैनल किस से रिलेट करता है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको अपने चैनल के बारे में, ठीक है। तो आपको अपने चैनल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और उसके नीचे है ऐड लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज देनी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका चैनल URL, आपका जो चैनल का लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है और उसके नीचे है ऐड लिंक, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐड लिंक का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप यहाँ पे लिंक को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का लिंक है तो आप वो भी डाल सकते हैं, फेसबुक का है तो आप वो डाल सकते हैं, या फिर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो आप उसका भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आप यहाँ पे 5 लिंक को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है 5 लिंक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइटल डालना होगा कि आप जो लिंक पेस्ट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या रखेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइटल एंटर करना है, उसके बाद आपको इस सेकंड में उसका URL डालना है। तो आप यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई लिंक ऐड नहीं करूँगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे 5 लिंक्स एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है,
लिंक्स ऑन बैनर, यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 लिंक्स दिए गए हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप 5 लिंक तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिंक को ऐड नहीं करूँगा, मैं इसको यहाँ से इसे डिलीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो के नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, आपने जिस ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। तो हम एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सारा प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर देना है, आपको ऊपर दिख रहा होगा पब्लिश का ऑप्शन, आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करी है वो आपके चैनल पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है ब्रांडिंग की बात। तो ब्रांडिंग करनी पड़ेगी आपको अपने चैनल की, आपको अपने चैनल का लोगो लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ब्रांडिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस आती है ब्रांडिंग, आपको अपने चैनल की ब्रांडिंग करनी है, आपको अपने चैनल पे लोगो लगाना है। आपका चैनल किससे रिलेट करता है, टेक्निकल चैनल है, गेमिंग चैनल है, कुकिंग चैनल है, तो आपको उससे रिलेटेड लोगो बनाना होगा, ठीक है। दोस्तों उसके नीचे आता है बैनर इमेज, यहाँ पे आपको अपने चैनल पे एक बैनर लगाना होगा। वैसे जैसे कि मैंने आपको लोगो में बताया है, वैसे ही आपको बैनर में भी आपको यही दिखाना है कि आपका चैनल किससे रिलेट करता है, टेक्निकल है या गेमिंग है या फिर एजुकेशन है, जिस भी कैटेगरी से आपका चैनल रिलेट करता है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक बैनर बनाना होगा। ये लोगो और बैनर को कैसे बनाया जाता है अपने मोबाइल फ़ोन से, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ईजिली अपने चैनल के लिए लोगो या फिर बैनर बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उसके बाद जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है चैनल का प्रोसेस। उसके बाद आपको अपने चैनल पे जो कुछ भी आप अपने से रिलेटेड टॉपिक डालते हैं, एजुकेशन हो गया या फिर टेक्निकल हो गया या फिर गेमिंग हो गया, जो भी है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक नया YouTube चैनल क्रिएट कर सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन से। और यहाँ पे चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।